अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहादी में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। आज की खबर की शुरुआत तेंदुए से की जाए तो बेहतर है, क्योंकि बेलगाम शहर के साथ बेलगाम शहर के अतराफ में भी तेंदुए पाए जाने की इत्तला हासिल हुई है। और जब से तेंदुआ बेलगाम रेसकोर्स मैदान के अतराफ में पाए जाने की खबर शाया हुई है, अब उस इलाके के लोगों को ही मालूम है कि दिन और रात कैसे गुजर रहे। डर खौफ के साए में लोग हैं और तकरीबन हफ्ता होने को आया, लेकिन तेंदुआ अब भी गिरफ्त से दूर है, अब तक हाथ नहीं आया। अब इसे कैद करने की मुकम्मल कोशिश इंतजामिया की जानिब से की जा रही है। 7 कैमरे, 3 जाले और अब तो ड्रोन का भी इस्तेमाल तेंदुए को ढूंढने के लिए किया जा रहा है। इस इलाके में तकरीबन 22 स्कूलों को तेंदुए के डर से ही छुट्टी दी गई। जाहिर है बच्चों को छुट्टियां काफी पसंद होती है, तो जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता तब तक तो छुट्टियां जारी रहेगी। खैर, अब यह मौजू बड़ा संजीदा है। तेंदुए की तस्वीर कैमरे में तो कैद हुई है और वही पहला शख्स सिद्धराई निलस्कर जो मामूली जख्म के साथ तेंदुए ने हमले करने की बात कही थी। इससे पहले भी चिकुड़ी तालुका के एटोराडी में इसी तरह तेंदुए की दहशत देखी गई थी। बेलगाम रेसकोर्स, जाधव नगर, स्विमिंग पूल, हनुमान नगर इलाका फिलहाल दहशत में है। तो एक और जगह पर तेंदुआ या चीते जैसा जानवर देखे जाने की इत्तला हासिल हुई है। मुडलगी तालुका धर्मट्टी में आज बरोज जुमेरात तेंदुए की मौजूदगी होने की बात कही जा रही है। एक बकरी को अपना शिकार बनाने की भी तस्दीक की जा रही है। अब यहाँ भी लोगों में डर खौफ देखा जा रहा है। अब यह जानवर है ये ऐसा कि इसका डर सभी लोगों के दिलों में डर होना लाजमी है। अब खानापुर में भी तेंदुआ नजर आने की इत्तला हासिल हुई है। खैर, तेंदुआ का डर पूरे जिले में बढ़ता जा रहा है। बेलगाम शहर का तेंदुआ आखिर कब गिरफ्त में आएगा की चर्चा पूरे शहर में देखी जा रही। नाम नहीं ले रहे। बस अंकुटची के नजदीक बस की ठोकर से सुधीर नामी शख्स मोटरसाइकिल से गिर तो गया, लेकिन खुशकिस्मत होने की बिना पर मौत टाल गई। आप देख सकते हैं कि कैसे बस की ठोकर से बाइक सवार मौत के मुंह से निकलकर बाहर आए। कभी छोटे से हादसा भी मौत की वजह बनता है, तो कभी बड़े हादसे से भी कोई शख्स कैसे मौत के मुंह से निकलता है, देख सकते। कल रात और आज भी दिन भर तेज हवाएं चलती रही, जिससे दरख्त और बिजली के खंभे गिरने की वारदातें पेश आई। जामबोटी चोरला सड़क दरख्त गिरने से तकरीबन 6 घंटे तक रास्ता बंद रहा, जिससे सवारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। आखिर में फॉरेस्ट महकमा ने दरख्तों को काट कर हटाया। कुल 3 जगहों पर बड़े दरख्त गिरने की इत्तला हासिल हुई।
ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಬರ ಜರಾ ಸೈಡ್ ಲ ತಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಬಾರೋ ಅವ್ನು ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತಾವ್ ಗಾಡಿ ते लांब आहे थोडं चालतंय ते नाहीतर गडबड करते आता बेलगाम शहर और अतराप में बारिश की रफ्तार धीमी हो गई हो लेकिन खानापुर इलाके में अब भी बारिश की रफ्तार तेज है। लिहाजा तिवोली ब्रिज पर पानी आने से गांव से ताल्लुक कट चुका है जिसके नतीजे में गांव से शहर की तरफ पढ़ने आने वाले बच्चों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। गांव और स्कूली बच्चों के साथ शहरियों को भी चौकन्ना और अलर्ट का इशारा हुकूमत की जानिब से दिया गया। कुछ लोग खामोशी के साथ सामाजिक खिदमत को अंजाम देते रहते हैं जिनका जिक्र नहीं किया जाता। लिहाजा संतोष देवर नामी शख्स भी इसी तरह सामाजिक खिदमत अंजाम देता रहता है, अपनी कुव्वत के मुताबिक किसी की मदद करता है। हाल ही में इन्होंने मंगेश वारलेकर जिसकी उम्र 45 इसका कोई भी नहीं था, लिहाजा संतोष ने उस तकलीफ के मद्देनजर अस्पताल ले गया, उसके हर्निया की तकलीफ से इसे निजात दिलाई। संतोष ने इससे पहले भी लॉकडाउन के वक्त जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया या फिर जानवरों को तक खाने के इंतजाम को अंजाम देता रहा है। संतोष के खिदमत को माशरे में सराहा जा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आजादी के 75 साल का जश्न आजादी का महापर्व पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, लिहाजा इत्तेहाद न्यूज़ भी इस मौके पर पूरे मुल्क में संविधान, मुल्क में बढ़ती महंगाई, बढ़ती मजहबी तशद्दुद, भारत की बदलती तस्वीर, झूठ फरेब जुमलेबाजी की सियासत, गरीबी, भुखमरी और धर्म राजनीति, गिरता रुपया, गिरती मईशत और विश्व गुरु का खौफ, कहां तक हकीकत और फसाना। लिहाजा बेलगाम शहर के नामचीन नामवर और इल्मी माहिरीन से बेबाक ख्यालात और मुलाकात सिर्फ इत्तेहाद न्यूज पर। साथ में अब आप इत्तेहाद न्यूज ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम खबरों को एक ही ऐप में आप जब चाहे देख सकते हैं। पैगाम इत्तेहाद अखबार और वेबसाइट और यूट्यूब पर शाया होने वाले वीडियोस इत्तेहाद न्यूज के ऐप पर देख सकते हैं। डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहे इत्तेहाद मीडिया।